चल, तो जो जो खाना हम लोग जो खा रहे हैं वो ही सबसे बड़ा कारण है। तो अब चंद्र आया, बोलो चंद्र कब आया, सबसे पहले आ रहा है, कोई बताएगा चंद्र कैसे आया? शायद मन पर कंट्रोल खावाना माटे एना हाँ माटे राइट हाँ हाँ सब सबसे सही बात यही है कि हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, जो अपनी मर्जी उस हिसाब से खाना पीना करके शरीर का पूरा बैंड बजा के रख दिया है। बोलो, रखा है कि नहीं? हाँ वेरी ट्रू हाँ, खाने का, लाइफ का डिसिप्लिन ही नहीं रखा है। जब डिसिप्लिन ही नहीं रखा है तो अभी बाकी सारे सारी सिस्टम को आप बिगाड़ोगे, तो एक के बाद एक ग्रह को बिगड़ना ही बिगड़ना है कि नहीं, बताओ। हाँ, हाँ मैम तो सबसे पहला चंद्र कौन आया? सबसे पहला चंद्र चंद्र जो जो बोला है कि ये नहीं खाना है, लेकिन आपने नहीं सुना, उसने बोला है कि कंट्रोल ऐसा नहीं कर करो, पाया लेकिन आप नहीं सुनते हो, आप कंट्रोल नहीं करते हो, आप कंट्रोल नहीं करते हो, अब बाकी ब्रेन को लोड बढ़ जाएगा तो उसकी तकलीफ ब्रेन को भुगतनी पड़ेगी। जैसे जैसे जिसको लोड बढ़ेगा वो ग्रह डैमेज होता जाएगा, होगा क्या होगा? हाँ मैम हाँ, तो जो ग्रह डैमेज होता जाएगा उस हिसाब से आपकी तकलीफ बढ़ती जाएगी। तो अब आपको करना क्या है ये बोलो, पहले सबसे पहले सुधारना क्या होगा? चंद्र क्यों अभी इसलिए, अब समझो ध्यान से, ग्रहों का राजा चंद्र को क्यों बोला गया है? सारे ग्रह उसके अंडर काम कर रहे हैं, आपका मन ही सबसे मजबूत है, बाकी सारी चीज बाद में काम कर रही है। समझ में आ रही है आपको बात? मीन्स मैन दैट मीन्स जिसका चंद्रमा स्ट्रांग है उसका सब कुछ अच्छा है जिसका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है ना, वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा। कंट्रोल वो ही कर पाएगा, आप अपने मन पे काबू तभी रख पाओगे जब आप अपने चंद्र को बलवान बना पाओगे। अगर चंद्र ही बलवान नहीं है तो आप बिल्कुल बेकाबू हो। देखो, काबू पाने के लिए भी कोई कोई कुछ तो होगा ना, नहीं तो हर एक चीज अपने आप, सब लोग, अगर मैं मेरी मर्जी से मेरे पे काबू कर सकती तो मैं, मेरे को किसी और चीज की जरूरत ही क्या होती? मैं सब सबके सब अच्छे ही होते कि नहीं? हाँ, वो तो ठीक है। सबके सब अपनी मर्जी के मालिक अगर हो जाते और बलवान हो जाते तो सबके सब अपना काम ठीक से कर पाते कि नहीं कर पाते? हर एक सिस्टम ठीक होती कि नहीं होती? हाँ मैम मतलब होती कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई बड़ा फैक्टर है जिसके जो हमारे ऊपर से काबू को घुमा रहा है। तो चंद्र के कारण हमारा काबू इम्बैलेंस हो रहा है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत कुछ बात समझ में आ जाए। तो चंद्र अगर वीक है सबसे पहला, तो आपकी सारी चीजें वीक जाएगी, हाँ मैम आपकी सारी चीजें वीक जाएगी। अगर चंद्र वीक है तो मना की है वो चीज आप सबसे पहले करोगे, डॉक्टर ने मना किया है लेकिन सुनोगे नहीं। आप देखो, जितने भी जो ड्रिंक लेते हैं, जो स्मोक करते चंद्रमा हैं, दूषित रहता है, चंद्रमा हाँ, दूषित जो, रहता है। हाँ, बस बस सीधी बात है, क्योंकि आप अगर आपकी एक भी आदत नहीं छोड़ सकते हो तो समझ लेना आपका चंद्र बलवान नहीं, जैसा चाहिए वैसा है ही नहीं। मैं बलवान भी नहीं कहूंगी, क्यों? क्योंकि किसी किसी को तो, जैसे कि आप ये देखो ना कि ही लग्न, धन लग्न, और तीसरा सी लग्न आया, धन लग्न आया, और तीसरा आया कुंभ लग्न। ये तीन लग्न में चंद्र तो खटे का मालिक हो रहा है, छठे आठवें का हो रहा है कि नहीं? हाँ तब ये तीन लग्न को क्या चंद्र बलवान चाहिए? हाँ नहीं वो और ज्यादा तकलीफ देगा ना। वो और ज्यादा तकलीफ देगा। मतलब ये हो रहा है कि ग्रह जैसा चाहिए वैसा हो, बात समझ में आई? हाँ लग्न अगर आप ये तीन लग्न हो, सिंह लग्न हो और वृषभ का चंद्र है, तो कैसे चलेगा बताओ? चलेगा?
अगर सीन लगना है तो प्रॉब्लम चंद्रमा हो का जाएगा फिर। मालिक है। अब अगर वो वृषभ का राशि में होगा तो चलेगा, बोलो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? केंद्र में आ गया, दसवें में आ गया। अब जो भी आपकी मर्जी होगी, आप जैसा करना चाहोगे वैसा करोगे जरूर, लेकिन क्या आप जो सोच रहे हो या मतलब जो अच्छा है वही करोगे या अपनी मर्जी से जो चले वो करोगे, बताओ? वही अपनी मर्जी से उसको जो सही लगेगा वो वही करेगा, हाँ, वो उसको उसको जो कुछ। चाहिए वो करेगा, वो बोलेगा नहीं मेरे को ये नहीं करना है तो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब उसका चंद्र वीक है, वो मनोबल का वीक है, ऐसा नहीं समझना है। ये चंद्र तो ज्यादा बलवान हो गया। अब ज्यादा बलवान हो गया तो वो क्या करेगा आपसे, आपसे जबरदस्ती और जीद करेगा, क्या करेगा वो? जिद वही मनमानी, मनमर्जी पूरी मनमर्जी मनमानी। मनमर्जी, मनमानी। और ऐसे मनमानी में होता है ना, भी डॉक्टर ने मना किया, अरे डॉक्टर को तो क्या है, कोई कुछ नहीं है, अपन खाओ पियो और मजा करो, ज्यादा जीने की क्या जरूरत है, रोग हो गया तो देखा जाए, वो ये सोचेगा ना। उसका मैच्योर डिसीजन आ पाएगा किसी भी मैटर में? नहीं नहीं हाँ, आएगा। नहीं आएगा, उसका सारा डिसीजन प्री मैच्योर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो दिमाग का कमजोर, ऐसा नहीं है वो दिमाग का कमजोर, लेकिन ऐसा है कि वो व्यक्ति अपने दिमाग पे ही काबू नहीं ले रहा है। कंट्रोलिंग पावर कम। हाँ, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि ये काम नहीं करना है तो आप वो समझोगे ही नहीं कि ये क्यों नहीं करना है, वो क्यों नहीं करना है वो बात उनके दिमाग से चली जाएगी। समझ में आया? धन लग्न वाले को ये बहुत मुश्किल होती है, ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि धन लग्न अग्नि तत्व का है, धन लग्न ये जिद्दी है, स्टेबल है, अगर कोई बात पे अड़ गया तो अड़ ही गया, बोलो। अगर कोई बात पे घोड़ा अड़ गया तो कैसा भिदक जाता है मालूम है ना? हाँ, तो हाँ राइट सही गलत कुछ भी ये सोच पाएंगे, बोलो? नो मैम। हाँ, ये नहीं सोच पाएंगे, और नहीं सोच पाएंगे तो क्या करेंगे ये भी बोल दो। चलो, जिद में आके क्या करेंगे, सही करेंगे क्या? पालना नहीं जो उन्हें नुकसान करेंगे? वो ही करेगा। हाँ, हाँ अपना ही नुकसान कर देंगे वो, जिद में आके अपना ही नुकसान कर देंगे। ऐसे ही कुंभ लग्न के वाले के लिए भी यही बात है। सबसे ज्यादा कमजोरी या वीकनेस या अपना अपनी अपनी आदतों पे काबू नहीं ले पाना, इसमें खास करके और दो लग्न भी आते हैं, कौन से पता है आपको? मिथुन और कन्या, ये दो लग्न भी आएंगे, कौन से राशि भी आएगी? मिथुन और कन्या, जैसे धन मिथुन और और कुंभ कन्या। आती है ना, ऐसे मिथुन और कन्या भी आती, और क्यों आती है? क्योंकि बुध की राशियां हैं, बुध की राशि में भी शुक्र को चंद्र को फेवर नहीं मिलता है, मिलेगा बताओ? बराबर ये सब आपको समझ के चलना पड़ेगा, आपको ज्योतिष में ये सारी चीज को एक क्यों क्यों, क्योंकि आप खाली एक ग्रह पे फोकस नहीं करोगे। जब चंद्र वीक हो तो बुध यानी कि बुद्धि कभी भी सीधी नहीं चलेगी, चलेगी बताओ? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, आपसे गलत डिसीजन ही लोगे, आप जिद में आके लोगे तो एक भी डिसीजन सही आएगा, बोलो? नहीं नहीं ले पाएंगे सही डिसीजन। हाँ, आप नहीं ले पाओगे। अगर जिद में आके कोई डिसीजन लिया तो वो डिसीजन आपको फेवर नहीं होगा, बराबर? हाँ हाँ, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको कहाँ पे हो रही है? जब डिसीजन, जब चंद्र ठीक नहीं हो तो बुद्धि पे सबसे बड़ा वार जाएगा, कहाँ जाएगा? बुद्धि पे। बुद्धि पे सबसे बड़ा वार जाएगा, क्योंकि चंद्र का सबसे बड़ा शत्रु बुध है। चंद्र का सबसे बड़ा शत्रु बुध है, क्यों? कोई बताएगा क्यों? बोलो, सोचो, कोशिश करो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
चंद्र का सबसे बड़ा शत्रु बुध क्यों है? हाँ पर बोलो। बुध नहीं, बालक ये कारण ही नहीं। चंद्र नर्वस का सिस्टम का कारक है हाँ बुध, और चंद्रमा है बुध नर्वस सिस्टम का कारक है, और चंद्रमा मन का कारक है, तो इसमें क्या चंद्रमा का, रिलेशन? चंद्रमा की सबसे बड़ी शत्रुता बुध है और बुध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्र है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, राइट? हाँ पूर्व का चंद्रमा तो उनका पुत्र है ना, फिर भी ऐसा क्यों है मैम? यहाँ कोई संतान पुत्र कोई संबंध ही नहीं आएगा। आपको बिल्कुल न्यूट्रल होके सोचना है कि अगर जब मन कोई डिमांड करता है तो क्या सारी बातें लॉजिकली सही होती है? पहले ये बताओ, अगर मन लॉजिक भूल किसी, जाता है। आपका आपका दिमाग, आपकी इच्छाएं किसी चीज का डिमांड करेगी तो क्या वो हर बार ये बात सही होती है? नहीं सही होती है क्या? मन हमेशा क्या सही सही सोचता है, ये बताओ। चलो, नहीं 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 गलत सलत सोचता है, इसीलिए मन गीता में सोचता बोला है, है ना, मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल मन करो। मन जो आपका मन जो इच्छा करता है वो क्या सही ही होता है या गलत भी होता है? गलत भी होता है। गलत भी होता है। मन जो इच्छा करता है वो गलत भी होता है। अगर आपने गलत चीज की इच्छा कर ली और गलत चीज के लिए काम भी कर लिया तो किसको डैमेज होगा? हेल्थ हेल्थ को बुद्धि 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 कुंठित हो जाएगी ना। बुद्धि बुद्धि हाँ, बुद्धि भ्रमित होएगा फिर हेल्थ को अफेक्ट आएगा अल्टीमेटली। तो अब अगर बुद्धि भ्रमित हो गई या आपसे गलत स्टेप ले लिया, आपने गलत डिसीजन ले लिया तो किसके कारण? नहीं, बुद्धि के कारण, किसके कारण? गलत गलत डिसीजन, मन सही के कारण ना, मन मन डिसीजन। मन के कारण, चंद्र हाँ, के कारण, डिसीजन। चंद्र बुद्ध बुद्धि बुद्धि एक ऐसी चीज है जो सिर्फ फैक्टर है, जो सिर्फ उपयोग में आ सकती है बस। अब उसका सही उपयोग करना है या गलत उपयोग करना है ये कौन सोचेगा? मन मन सोचे दिमाग। बोलो, मन ही सोचेगा ना कि मैं ये डिमांड कर रहा हूँ, तो अगर गलत डिमांड कर रहा हूँ तो बुद्धि तो आपको हेल्प कर रही है। बुद्धि क्या कर रही है बोलो? अगर आपने कोई डिमांड गलत कर ली तो बुद्धि ने क्या किया उसमें? सारी सपोर्ट करती है, सपोर्ट सपोर्ट किया, किया है सपोर्ट बुद्धि ने, और कुछ नहीं किया है। बुद्धि ने क्या किया है? किया, सपोर्ट किया। ओनली सपोर्ट, ओनली सपोर्ट। अब कोई भी ये बोलेगा कि अरे ये आदमी पागल हो गया है क्या? आज अगर 70 साल का कोई आदमी होगा, पैसे वाला होगा, और वो आज कोई 25 साल की लड़की से शादी करेगा तो लोग क्या बोलेंगे? पागल ये ही आदमी, बोलेंगे, ये इसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। हम क्या बोलेंगे? बुद्धि बिगड़ गया, उसकी बुद्धि बुद्धि बिगड़ गई है। सिस्टम। अच्छा, अब इसमें काम किसने किया? चंद्र ने किया ना, उसका मन किया, इसलिए हाँ किया ना उसने, हाँ मैम, उसका मन किया। मन किया मतलब उसको तो उससे प्रेम हो गया तो भी मन किया ना। हाँ अगर आपको प्रेम हो गया तो भी आपका मन ही हुआ ना। हाँ मैम, हाँ, तो अगर आप अपनी मर्जी से अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो नुकसान किसको मिल रहा है? बुद्धि का नुकसान किसका हो रहा है? बुद्धि का, इसीलिए चंद्र और बुध एनिमी है। दोनों एक दूसरे के शत्रु, क्योंकि बुद्धि के हाँ लिए बहुत ही क्लीन बात है। बुद्धि बुद्धि का फायदा तब भी होगा जब आपके सारे डिसीजन राइट हैं। अगर आपके डिसीजन गलत है, अपनी मन मर्जी के हैं, बुरे हैं, आपके आपके सारे निर्णय बुरे हैं, आपकी इच्छा बुरी है, तो बुद्धि तो यही लोग लोग बुद्धि को ही नुकसान, अरे गाली देंगे कि इसकी अक्कल मती मारी गई। लोग ये नहीं सोचेंगे कि भाई ये इसने अच्छा काम किया, अरे इसने अपनी बुद्धि का बिल्कुल दुरुपयोग किया है। क्या बोलेंगे लोग? किसको बोलेंगे? बुद्धि को हाँ, बुद्धि आपकी बुरी हो जाएगी, आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, आपकी बुद्धि बुरी हो जाएगी। और एक स्टेप बुरा लिया है तो अब उसके लिए 10
12 15 पीछे के जितने भी स्टेप लेने हैं सारे बुरे होंगे कि नहीं? बाद में क्या होगी, या तो सजा होगी या फिर आप नहीं मर जाओगे, बाद में कुछ होगा और या बीमार होगे, क्या होगा बताओ? ये तीनों में तीनों ही हो सकता है। हाँ तीनों ही हो सकता है। अब तीनों ही हो सकता है तो आप लोग ये नहीं बोलेंगे ना कि ये इसका मन खराब था, लोग क्या बोलेंगे? इसको अक्ल ही नहीं थी, दिमाग लोग क्या, दिमाग, खराब लोग बोलेंगे दिमाग खराब था, तो दिमाग को खराब करने वाला कौन? चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रा दिमाग को खराब, दिमाग मतलब बुध है, बुद्धि है, तो उसको खराब करने वाला चंद्र हो गया। इसीलिए कभी भी ध्यान सुनना, ध्यान से सुनो आप, ये फलादेश के लिए, फलादेश का विषय है। ध्यान से एक चीज को आपको समझना है कि कभी भी आपको, एक मिनट, आपको कभी भी कोई भी राइट डिसीजन अगर आपको लेना है तो सबसे पहले ये फैक्टर आपको रखना पड़ेगा कि आपकी सोच सही हो। बात समझ में आई? हाँ, हाँ मैम, अगर हाँ आपको, समझ अगर में। उसको आप, चंद्रमा और बुध दोनों देखना है, इनका दोनों हाँ, ठीक है तो अच्छा है। और उससे उल्टा क्या होगा पता है? हमेशा अगर बुध का लग्न है तो चंद्र को फेवर नहीं मिलेगा, और अगर चंद्र चंद्र कुंडली में बलवान है तो बुध को फेवर कम मिलेगा। दोनों बलवान हो तो ही आपका भाग्य हो। समझ में आया? समझ में आया? हाँ मैम, इसीलिए मैम, दोनों इसमें शत्रु है। परिवर्तन योग भी इफेक्ट करता है क्या? बुध और चंद्रमा का परिवर्तन योग जो बोलते हैं वो होता नहीं है, तो नहीं वो भी नहीं इफेक्ट नहीं करता है नहीं क्या? नहीं परिवर्तन योग कभी भी आपको इफेक्ट करे और अच्छा फल दे, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर एक ग्रह को अपनी अपनी राशि का फल देना कंफर्म है। आप ये सोच लो कि बुध चंद्र की राशि में बैठा है और चंद्र बुध की राशि में बैठा है तो दोनों एक दूसरे की राशि को संभालेंगे? नहीं, बुध को अपनी ही राशि का फल देना है और चंद्र को अपनी ही राशि का फल देना। ये लोग बिल्कुल, अच्छा, थैंक यू मैम। हाँ, ये लोग बिल्कुल अधीन है, अपनी मर्जी से ग्रह कुछ नहीं करता। समझ में आया? हाँ मैम, वो अपनी मर्जी के मालिक बन के नहीं काम कर सकते। बुध बुध को अपनी ही, अपने ही भाव का फल देना, और चंद्र को अपनी ही राशि का पोर्टफोलियो दिया हुआ है सबको। आपने, आप तो परिवर्तन योग में बोलोगे चंद्र की राशि का सारा काम बुध संभाल लेगा, तो मतलब ये कि आपका मन को बहुत बुद्धि वाला बना देगा, ऐसा बोलो? अच्छा बना देगा ऐसा? नहीं, मैं ये कह रही थी, नहीं, मैं ये कह रही थी कि अगर परिवर्तन योग है और हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये परिवर्तन योग का भी इम्पोर्टेंट है, तो जब भी गोचर में ये सारी चीजें और ट्रांजिट होती है तभी उसका कुछ फल अलग डिफरेंट से होता है कि यही सेम का सेम ही रहता है? परिवर्तन परिवर्तन योग के कारण अगर मैं आपके, मतलब ऐसे सोचो कि अगर मैं आपकी चीज को संभाल के बैठी हूँ, आप मेरी चीज को संभाल के बैठे हो, राइट? बुध चंद्र की राशि को संभाल के बैठे हो और चंद्र की राशि बुध को संभाल के बैठे हो, मैम, आपकी आवाज कट रही है। उसी को ही परिवर्तन बोलोगे ना? परिवर्तन किसको हाँ बोलते? अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हाँ, रही, क्लियर आवाज आ जाती तो है। आप, शायद मेरे यहाँ से ही नेटवर्क इश्यू है। हाँ ठीक है ठीक है, तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना अगर मिला हो तो। आज रिकॉर्डिंग का भी मेरे को डाउट जा रहा है। एक बात ध्यान से समझो कि मुझे जब मेरी ही राशि का काम करना है तो मैं मेरी राशि का भी काम करूं, दूसरी राशि का भी काम करूं, ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना? सॉरी मैम, मेरा नेटवर्क इश्यू था तो मैं सुन नहीं पाई। मैंने ही पूछा और मैं ही सुन नहीं पाई, सॉरी। कोई बात नहीं, एक बात ध्यान से सुनो,
कि अगर सबको अपना अपना पोर्टफोलियो दिया हुआ हो तो क्या वो दूसरे के काम में डिस्टरबेंस करेंगे? नहीं करेंगे वो, नहीं, हेल्प कर सकते हैं ना। नहीं वो तो आप वो राशि में बैठे हो, बुध की राशि में अगर कन्या का चंद्र बैठा है तो उसको तो वो भाव में तो अपने आप उसका फल मिलने वाला है। मेरी एक बात समझ में आ रही अच्छा है? अच्छा जी भावस्थ ग्रह है, जी भावस्थ जी का तो फल उसको देना ही देना है। ओके ओके पर आप ये मत सोचो कि इसके कारण ये दोनों बलवान हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी। जी अगले मैम, अगले क्लास में परिवर्तन योग का टॉपिक लेना, उसको मैं पूरे डिटेल से समझाऊंगी। बराबर जी मैम, थैंक बराबर। यू, जी थैंक यू सो मच। हाँ, क्यों क्यों? क्योंकि पता है, कुछ थोड़ी मिनट में अभी ये बंद होगा, 5 मिनट बता रहा है, तब तक जो चलता है ये बात जितना हो सके मैं कर लेती हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए कह रही हूँ कि हर एक की एक ड्यूटी है, उसको खुद एक पोर्टफोलियो दिया गया है, हर एक को एक राशि दी गई है, हर एक एक राशि में उचका हो रहा है, तो जहाँ उचका हो रहा है उसका वो फल देगा, जहाँ का मालिक हो रहा है उसका वो फल देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ लेकिन मैं आपके घर में, बुध चंद्र के घर में बैठा है, चंद्र बुध के घर में बैठा है, और वो अच्छा फल दे, अरे दोनों वैसे भी शत्रु है, दोनों साथ में बैठ गए तो भी मुश्किल है, तो कहाँ से अच्छा फल मिलेगा? आप ऐसे कैसे मान लेते हो? बोलो, चंद्र बुध दोनों एक दूसरे के शत्रु है कि नहीं, पहले ये बताओ। पत्थर शत्रु है कट्टर शत्रु इसलिए है कि बुद्धि जी मैम, हमेशा, बुद्धि हमेशा मैच्योर बात करेगी, मैच्योर, लेकिन मन कभी भी मैच्योर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बुद्धि स्टेबल है लेकिन मन बोलेगा इधर भटको, अब आज करना है कल नहीं करना है, आधा काम करके छोड़ दोगे आप, होगा कि नहीं? जी आप आधा काम करके छोड़ दोगे। और ये भी मत सोचो कि ये दोनों शत्रु हैं, दोनों जैसे जैसे मंगल शनि दोनों एक दूसरे के शत्रु शत्रु माने गए हैं, लेकिन मंगल शनि की राशि में तो उचका हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैम, तो आपको हाँ हर एक हाँ राशि के साथ हर एक ग्रह को देखना है। ये मत सोचो, अब मंगल शनि परिवर्तन तो क्या शुरू हो गया? और वो भी परिवर्तन कहां से? वो मेष राशि से। देखो, मकर में मंगल गया और मेष में शनि गया, बोलो ये परिवर्तन यो हुआ कि नहीं? वहां पे हाँ तो हाँ नीचे होते हैं राइट। हाँ तो ये सब फल फल कौन देखेगा? समझ में आ रहा है? मैम आ रहा है। इसीलिए परिवर्तन योग हो गया, अन्योन्य ऊंच नीचे बहुत सारी बातें हैं, पर वो बातों से एक एक ही तारण निकालना है कि अगर वो राशि में ये ग्रह बैठा है तो ये अपना फल जरूर देगा, और अगर देगा तो कैसा देगा, आपको ये सोचना है कि कैसा देगा। बराबर। कन्या मैम में भूत चला गया, मिथुन में भूत चला गया, तो अपने आप आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि अब जब ये व्यक्ति डिसीजन लेगा ना, तो उसमें उसकी मर्जी ज्यादा रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ मैम, तो ये मैच्योर डिसीजन कम लेंगे, अपनी मर्जी से ही ज्यादा करेंगे काम, वो अच्छा बात बात में बोल देंगे मेरी मर्जी, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मुझे जैसे काम करना है वैसे ही। देखो मिथुन वाले, और ये देखो आप तो हाईएस्ट ड्रग एडिक्ट या कुछ भी ड्रिंक या कुछ भी आदत होगी, तो इन लोगों को बहुत मुश्किल होती है छोड़ना। लोगों का भूत का भूत स्वर्ग राशि में ही रहता है बुध की राशि का चंद्र हो गया है तो वो अपनी मर्जी ज्यादा चलाएगा, ये नहीं सोचेगा ये अच्छा या बुरा है। समझ में आ रही है बात ये? मैम, हाँ, इसीलिए चंद्र बुध को बहुत सोच समझ के आगे चलना है, और चंद्र बुध का प्रेडिक्शन आप बहुत ध्यान से करो, ठीक है?
ठीक है, तो अभी ये बंद होगा, कभी भी अगले क्लास में मिलेंगे मैम, अपन। मैम 7th मैम क्लास 7th और 8th भेज दीजिए ना, उसमें लिंक क्या, 7 और 8, अपना लेक्चर 7 और 8 हुआ है ना, लेक्चर अच्छा कौन सा नंबर का हुआ है, 4 5 तक, क्यों आपको आगे आगे फोर मिला फाइव नहीं? भेज, हाँ 4 5 मिला, 6 7 नहीं मिला। आ तो आप इसको है ना वो बेल आइकन कर लो, तो आपको सारे अपने आप मिलते जाएंगे। मैं आज भेज देती हूँ, अच्छा अच्छा मैं भेज रही हूँ, लेकिन एक अच्छा बेल आइकन उसको जरा क्लिक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको हाँ अपने आप मैम, सारे आ जाएंगे। ये यूट्यूब पे अच्छा अपलोड है? हाँ, यूट्यूब पे हाँ अपलोड है, पहले के यूट्यूब पे सारे, अपलोडेड है ये सारे? पहले के हाँ सारे अपलोड है। हाँ ओके ओके, क्योंकि मैंने आज ही अटेंड किया, आगे आप के एक खाली, भी नहीं आप था, बहुत, मैंने आगे एक भी अटेंड नहीं किया है। अच्छा, आप खाली ऐसा डाल दो कि लर्निंग सर्वतोभद्र, बस आपको मिल जाए।